हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। मार्क्यू एक ऐसा टैग है जो कि काफी ज्यादा यूज होता है वेबसाइट बनाने के दौरान, ठीक है। अब इसमें एक एट्रीब्यूट है मार्क्यू का जिसका नाम है स्क्रॉल डीले। तो आइए देखते हैं स्क्रॉल डीले का यूज हम कैसे कर सकते हैं एचटीएमएल के अंदर। तो सबसे पहले तो यहाँ से नोट पैड को ओपन करना है, तो NOTPAD नोट पैड, ये देखिए ये नोट पैड ओपन किया मैंने, ये हमारा नोट पैड है, ठीक है। अब इसी पर कोडिंग करनी है, ठीक है, तो इसी पर हम मार्क्यू डीले यूज करेंगे, ठीक है। सबसे पहले क्या करते हैं, एचटीएमएल से स्टार्ट कर देते हैं। आप चाहे तो डॉक टाइप एचटीएमएल लगा सकते हैं, फिर हेड पोर्शन आएगा, तो ये हेड हो गया, फिर यहाँ टाइटल आएगा, तो यहाँ पर टाइटल लिख देता हूँ, और टाइटल में मैं यूज ऑफ मार्क्यू एट्रीब्यूट, यूज ऑफ मार्क्यू एट्रीब्यूट कर देते हैं, ठीक है, तो ये हो जाएगा, ठीक है। और ये करने के बाद क्या करना है, यहां से इसे क्लोज करना है, यानी टाइटल को क्लोज करना है, तो TITLE टाइटल को क्लोज किया, और टाइटल को क्लोज करके एंटर करेंगे, नीचे आएंगे, यहाँ पे हेड को क्लोज करेंगे, और हेड को क्लोज करने के बाद क्या करना है, यहाँ पे बॉडी टैग को ओपन करना है, ठीक है। तो यहाँ पे बॉडी टैग को ओपन कर लेते हैं और यहाँ पर लगाएंगे मार्क्यू, ठीक है। तो मार्क्यू का एट्रीब्यूट वो देखेंगे जो कि मार्क्यू डीले है, क्या है, मार्क्यू डीले, ठीक है। तो यहाँ पे लगाएंगे मार्क्यू डीले। अच्छा, मार्क्यू डीले कैसे काम करेगा वो अभी आपके समझ में आएगा। देखिए जैसे यहां पे मैं लिखता हूं मार्क्यू स्क्रॉल, ठीक है, स्क्रॉल तो लिखना ही होगा, तो यहां लिख दिया स्क्रॉल, और फिर लिखेंगे डीले, DELAY, ठीक है। तो यहां कर दिया मार्क्यू स्क्रॉल डीले, और इज इक्वल टू लगाया, यहां पे कर देते हैं 30 कर दिया, ठीक है। और यहां पे डबल डॉट कॉमा में 30 लिखते हैं, तो ये डबल डॉट कॉमा के अंदर 30 लिख दिया। अब यहां पर मैं क्या करता हूं, यहां पर लिख देता हूं हेलो, हाउ आर यू, हाउ आर यू, ये कर दिया हमने। और ये करने के बाद क्या करेंगे, यहाँ क्वेश्चन मार्क भी लगा देता हूँ, और यहाँ पे ये मार्क्यू को क्लोज कर देता हूँ, फिर ये क्लोज हो गया मार्क्यू, ठीक है। तो ये क्लोज हो गया। अब यहाँ पर इफेक्ट तो तब पता चलेगा जब हम इसी सीक्वेंस को रिपीट करेंगे और यहाँ पर स्क्रॉल डीले अलग अलग देंगे, तभी तो हमें इसका इफेक्ट पता चलेगा। तो यहाँ पे इसका इफेक्ट देखने के लिए हमें स्क्रॉल डीले अलग अलग देना होगा, ठीक है। तो यहां पर क्या करता हूँ, इसको उठाता हूँ, यहां से कॉपी करता हूँ, और यहाँ नीचे आता हूँ, यहाँ पेस्ट कर देता हूँ, और यहां पर आकर के स्क्रॉल डीले यहाँ पे कर देते हैं लाइक 50 कर देते हैं, 50, ठीक है। तो यहाँ कर दिया 50, और फिर नीचे आएंगे तो यहाँ पे कर देंगे 5, ठीक है। यहाँ पे आए तो यहाँ पे स्क्रॉल डीले 5 कर दिया। तो अभी 5 करने से क्या हुआ, 50 करने से क्या हुआ, 30 करने से क्या हुआ, ये सब पता चलेगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर पहले इसको क्लोज कर देंगे बॉडी टैग को, और फिर एचटीएमएल को क्लोज करेंगे। तो ये बॉडी क्लोज हुआ, देन एचटीएमएल क्लोज हुआ, और इसके बाद इसको क्लोज करके कंट्रोल एस करेंगे सेव करने के लिए। तो यहाँ पे MARQ.HTML के नाम से सेव करते हैं, और इसे डेस्कटॉप पे रखता हूँ, मैं डेस्कटॉप पे ही सेव कर रहा हूँ, ये देख सकते हैं ये डेस्कटॉप है हमारा, तो यहाँ पे ही मैं सेव करूंगा, ठीक है। और यहाँ पे ओके कर दिया, और यहाँ से जा करके अब ये जो मार्क्यू डीले मार्क्यू नाम से आया हुआ है इसी को हम चला लेंगे, ठीक है। तो ये हमारा मार्क्यू है, डबल क्लिक करेंगे, और जब ये ओपन होगा तो कुछ इस तरीके से जाएगा, देख सकते हैं यहाँ पर ये तीनों फिलहाल तो एक साथ ही जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं ये तीनों एक साथ जा रहा है, और इसमें डीले नहीं हुआ है, जैसे मैंने डीले दिया था मार्क्यू डीले, लेकिन ये तीनों एक साथ ही जा रहा है, देख सकते हैं। लेकिन यहां पर अगर मैं इसको 500 कर देता हूँ, 500 कर दिया, अब इसको कंट्रोल एस करता हूँ, और एक बार इसको फिर से दोबारा से चला के देखते हैं क्या होता है। तो ये हमारा मार्क्यू वाला है, तो यहाँ से चलाएंगे तो देखिए 500 करने पे ये काफी ज्यादा स्लो हो गया है, देख सकते हैं ये इसका इसका जो डीले है, यानी ये धीरे स्टार्ट करेगा अपने आप को, ठीक है, बहुत ज्यादा स्लो हो गया, ठीक है, इन कंपेरिजन टू। अब बहुत कम अमाउंट करेंगे तो नहीं पता चलेगा, अब यहाँ 150 किया और यहाँ 300 कर देते हैं, तो ये आपको शायद पता चल जाए। तो इसमें कंट्रोल एस करके और इसको देखते हैं मार्क्यू डीले चल रहा है या नहीं, तो यहाँ से इसको ये कर देते हैं, तो देख सकते हैं यहाँ पर अब तीनों का रेशियो पता चल रहा है कि कौन किस हिसाब से चल रहा है। तो थोड़ा ज्यादा ज्यादा अमाउंट में देंगे तो ये आपको पता चल जाएगा कि ये धीरे चलना है या तेज चलना है, तो कैसे होगा, ये चीजें आपको पता चल जाएंगी। इसके बजाय अगर आप सिर्फ यहाँ स्क्रॉल अमाउंट कर देते हैं, जैसे डीले नहीं करके यहाँ पे सिर्फ स्क्रॉल अमाउंट करते हैं, तो ये तो बहुत ज्यादा फास्ट हो जाएगा। तो ये किया स्क्रॉल अमाउंट, और अब ये देखिए पहला वाला बहुत ज्यादा फास्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर मैं इसको दोबारा से चलाता हूँ, यहाँ से जाके ये रिफ्रेश करता हूँ, तो आप देखेंगे ये पहला वाला काफी फास्ट काम कर रहा है, ठीक है। तो ये डीले होता है स्क्रॉल डीले, तो स्क्रॉल डीले अगर आप करेंगे तो उतना जितना ज्यादा अमाउंट डीले में देंगे उतना ज्यादा ये स्लो होता जाएगा, ठीक है। और केवल अगर स्क्रॉल अमाउंट देंगे और बड़ी अमाउंट में जैसे 500 कर देंगे, तो देखिए कितना फास्ट चल रहा है। और यही अगर स्लो करना है इसको, तो यहाँ से 300 के बजाय यहाँ पर 200 कर दीजिए, थोड़ा स्लो हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए इसको मैं चलाता हूँ दोबारा से,
देखेंगे कि ये जो है थोड़ा स्लो हो गया है, थोड़ा सा स्लो हुआ है, ठीक है। हालांकि अभी भी फास्ट चल रहा है लेकिन थोड़ा सा स्लो, लेकिन और अगर कम कर देते हैं तो ये पता चलेगा कि कितना स्लो हुआ है। तो ये कंट्रोल एस कर दिया और फिर इसको एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं यहां से, तो आप देखेंगे कि ये थोड़ा स्लो हो चुका है। देखिए अब ये स्लो काम कर रहा है, और अगर 50 कर देते हैं तो और स्लो हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर 50 भी कर लेते हैं, एक बार चेक करते हैं 50, और यहां कंट्रोल एस कर देते हैं और यहां से अब इसको चला देते हैं। तो ये देखिए ये काफी स्लो हो गया इस तरीके से, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं बात समझ में आई होगी कि आपको कैसे करना है और स्क्रॉल डीले कैसे काम करेगा, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे शेयर कीजिएगा, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और अगर कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।